बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे गजरेला। शहरों में गाजर की खीर भी कहा जाता है, लेकिन गांव में से कहा जाता है गजरेला। और ये दो तीन तरीकों से पकाया जाता है, लेकिन हम उस तरीके से बनाएंगे जिस तरीके से हमारे गांव में ज़्यादातर बनाया जाता। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आग हमने जला ली है, देगची को रखेंगे ऊपर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, चार किलो गाजरें हमारे पास, जिनको हमने कद्दूकश कर लिया। ये जाएंगी देचके के अंदर। बिस्मिल्लाह। सिर्फ हमने गाजरें जो हैं वो शामिल की हैं इसके अंदर। तो इसका पहले हम थोड़ा सा पानी खुश्क करेंगे। अभी इसमें हमने सिर्फ गाजरें ही शामिल की हैं, उसके अलावा कुछ शामिल नहीं किया। थोड़ा सा हला देंगे ताकि नीचे ना लगे। ये देखें जी, पानी खुश्क हो गया। 5 मिनट तकरीबन हमने लगाए इसको, और इनका कलर भी जो है वो भी चेंज हो गया। एक प्याला देसी घी का ये इसमें हम शामिल करेंगे। ये जिस तरीके से हम बना रहे हैं बहुत ही मज़े का बनता है इस तरीके से। अगर आपने इस तरीके से पहले नहीं बनाया तो आप इस तरीके से भी बना के ज़रूर ट्राई कीजिए। घी डालने के बाद थोड़ा सा भूनेंगे इनको, ताकि इनका कच्चा पाना जो वो ख़त्म हो जाए। गाजरों को हमने भून लिया और इनका कलर माशाल्लाह से बड़ा ही ज़बरदस्त हो गया। अब हम दूध शामिल करने लगे हैं। दूध इसमें जाएगा 7 लीटर। 4 किलो गाजरें और 7 लीटर हम दूध शामिल करेंगे। खालस दूध है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दूध हमने कर लिए शामिल, अब हलाएंगे। दस अदद सब्ज़ इलायची, इनको खोल के शामिल करेंगे। जैसे ही उबाल आएगा तो हम चावल शामिल कर देंगे। उबाल आ चुका है, अब करेंगे चावल शामिल। चावल जो हमने लिए हैं वो 1 किलो हैं। ये चावल हमने लिए हैं टूटे हुए, जिनको पंजाबी में टोटा भी कहते हैं और कनी भी कहते हैं। ये अब शामिल कर देंगे हम। बिस्मिल्लाह। इनको हमने पहले से भिगो के रखा है 3-4 घंटे। अब एक दफ़ा हलाएंगे। मौसम काफ़ी चेंज हो गया है पंजाब में, और अभी भी बादल आसमान पे, कभी कभी बादल जो है वो बारिश होनी शुरू हो जाती है हल्की फुल्की, फिर बंद हो जाती है। इस तरह का मौसम है। अब साथ साथ चम्मच को चलाएंगे ताकि ये नीचे ना लगे। अब चीनी शामिल करेंगे। चीनी जो है वो हमने ली है 1.5 किलो। चीनी हसबे जायका इस्तेमाल करें, हमने 1.5 किलो ली है। चम्मच को लगातार चलाते रहेंगे। देखें जी माशाल्लाह से कितना प्यारा कलर हो गया अब इसका। माशाल्लाह जी, हल्की हल्की बारिश हो और ऐसे में गजरेला खाने का अपना ही मज़ा है। तो ये हमारा गजरेला जो है ये देखें बिल्कुल तैयार हो गया, गाढ़ा हो गया। तो अब इसको एक दफ़ा हम
घोटने की मदद से घोटेंगे ताकि इसमें कोई जो डेली वगैरह ना रह जाए। एक दफ़ा हलाएंगे ताकि कोई डेली चावलों की या कुछ तरह की इसमें वो मिक्स हो जाए। अब इसमें जाएगी एक पाव गरी हमने शामिल की है और एक ही पाव मूंगफली जाएगी इसमें। एक पाव जाएगी इसमें सौंगी यानी किशमिश और एक ही पाव इसमें बादाम जाएंगे। बादाम को हमने काट लिया, अभी मिक्स करेंगे। ये देखें माशाल्लाह से तमाम मेवे हमने डाल लिए हैं। थोड़ा सा इसको हम पकाएंगे 1 से 2 मिनट और ये बिल्कुल तैयार हो गया। इसे हम नीचे उतार लेंगे, काफ़ी गाढ़ा भी हो गया। और ये जितना वजनी है यहाँ पे थोड़ा आपको ताकत का मुजाहरा करना पड़ेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जी हमारा गजरेला बिल्कुल तैयार है और ये तमाम ही घर वालों का फेवरेट है, छोटे बड़ों सब का। अभी जी इसको हम निकालते हैं। माशाल्लाह से गजरेला बहुत ही ज़बरदस्त बना है। अम्मी जान और फूफी जान ने मुझे बताया कि बड़ा ज़बरदस्त बना, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो भी पसंद आई होगी। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, सलामत रखे और वालदैन का साया हमेशा अल्लाह ताला आप सब पर सलामत रखे। इसी दुआ के साथ इजाज़त चाहूँगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह निगहबान।